तो बच्चों मेरा नाम पवन कुमार गुप्ता टीम फिजिक्स सीएलसी सीकर शुरुआत करते हैं हमारे इको के सॉल्यूशन की जिसमें हम बात करने वाले टॉपिक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म तो इसमें पहला क्वेश्चन आता है, है, वो फुल रोटेशन करता है सर्किल में जिसकी रेडियस आपको दिया हुआ है टाइम दिया हुआ है ठीक है आपको मैग्नेटिक फील्ड बता रहा है सेंटर पे जब भी कोई चार्ज जैसे सर्कुलर पाथ में घूमता है तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आता है सेंटर पे किसी भी चार्ज के मोशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या आता है क्यू अपोन upon अपॉन upon pi पाई V क्रॉस R अपॉन R क्यूब यानी कि यहां पर आप इसको लिखोगे तो वी क्रॉस क्या बन जाएगा Q V अपन R, 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 R square ठीक है तो ये आ जाएगा Q V अपॉन R स्क्वायर बट इसको यहां पे फिर आपको थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ेगी ये वेलोसिटी निकालने के लिए तो इसको बेटर आप इस फॉर्म में कन्वर्ट करें देखो म्यूनोट अपॉन टू टू पाई आर बाई वी ओके एक आर इधर आ जाएगा क्यू इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा मिनोट क्यू टू आर टी अब देखो इस केस में अपने पास क्या आ जाएगा देखना म्यूनोट कितना है इसका क्यू क्यू कितना आ जाएगा इस केस में ट्वाइस ऑफ एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज उसके बाद टू आर कितना है एट और टू. तो टू टू फोर एट से पूरा कट जाएगा क्या आएगा आपके पास मे नॉट टेन टू तो दावर माइनस नाइनटीन टेस्ला तो ये आपका आंसर बन जाएगा सेकेंड ऑप्शन ओके बेटा बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन आता है जिसमें आपको बोला है कि एक वायर की लेंथ है जिसमें करंट कांस्टेंट है उसको सबसे पहले आपने एक टर्न की कोईल बनाया तो उसके सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कुछ आ रहा है फिर उसके बाद आपने उसी वायर को दो टर्न में मोड़ दिया तो सेंटर पे जो फील्ड आया वो पहले की टर्न केस में कितना होगा तो देखो जैसे अपन यहां बात करें हमारे पास ये एक वायर था तो इसकी लेंथ कितनी है फिक्स है आपने उससे एक टर्न दिया तो बी सेंटर पे क्या होता है किसी भी कोयल की जैसे मीनोट एन आई अपोन टू आर तो कितना हो जाएगा मीनोट एन की वैल्यू वन आई टू आर कितना हो जाएगा एल अपॉन टू पाई बाद में आपने इसी वायर को दो टर्न में मोड़ दिया ठीक है तो एल कितना हो जाएगा ट्वाइस ऑफ टू पाई आर भाई तो एक वायर की सर्क्यूस की लेंथ एक टर्न की सरक्यूमेंस ऐसे दो टर्न है तो इससे आप आर डे बी डेश कितना आ जाएगा वही मीनोट एन आई टू आर डे मीनोट एन कितना है बेटा दो आई टू आर कितना है एल अपॉन फोर पाई तो ये कितना आ जाएगा देखो टू वहां क्या था मीनो टाइप एल बाई पाई तो ये कितना आ जाएगा टू इधर और साथ में क्या है टू तो ये हो जाएगा फोर टाइम्स ऑफ बी तो पहले से चार गुना है ना फोर टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड आएगा सेकेंड का आंसर हो जाएगा अपना थ्री कोई कंफ्यूजन इसमें इसका अगला आता है थर्ड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन में आपको एक कोइल दिया हुआ है जिसमें एन टर्न है उसको टाइटली टाइटलीउंड किया और आउटर रेडियस तो देखो इसमें सिंपल सा क्या है इस तरह से इस के में एक दी गई है बी इसमें आपको बताना है कि फाइनली किस तरह से आप मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे तो अपन क्या करते हैं बेटा आर रेडियस पे एक छोटी सी डी आर एक इस तरह से क्या मानेंगे एक हिस्सा मान लो ठीक है तो इस हिस्से में कितने टर्न होंगे पहले वो निकाल लो तो क्या हो जाएगा देखो डी बी बराबर मिनोट एन आई टू आर यही होता है ना किसी आर के लूप की वजह से सेंटर इसमें कितने टर्न होंगे टोटल टर्न है एन वो कहां से कहा था कि बी माइनस तक तो आर में इतने टर्न आई डिवाइड by टू आर बाकी सबको तो आप ठीक रखो इधर इंटीग्रेट कर दो तो ये क्या आ जाएगा बी मिनोट एन बी माइनस ए ट्वाइस और आई ये तो आ जाएगा बाहर वन अपोर आर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एल एन आर और लिमिट क्या हो जाएगी इनर रेडियस क्या है बेटा ए आउटर रेडियस बी तो ये हो जाएगा मीनोट एन आई ट्वाइस ऑफ बी माइनस ए एल एन बी बाई ए

अपॉन फोर आर को मैं इसमें से कॉमन लेता हूं तो क्या हो जाएगा मेरे पास यहां पे ऑप्शन ये हो जाएगा अपॉन या को ही कॉमन लेता हूं अब ऑप्शन को क्या सेट करना अपन को जो ऑप्शन दिया उसके हिसाब से तो क्या आ जाएगा म्यूनोटाई ये टू कट जाएगा टू पाई आर प्लस वन अपॉन फोर आर कौन सा ऑप्शन बच रहा है फर्स्ट ऑप्शन फोर्थ का ओके बेटा इजी है आते हैं हम हमारे फिफ्थ क्वेश्चन पे फिफ्थ क्वेश्चन में एक बार नोट कर इसे फिफ्थ क्वेश्चन में आपको एक बी क्यू एलिमेंट दिया हुआ है माइनस ए बाई टू से प्लस ए बाई टू पर और आपको मैग्नेटिक फील्ड पूछा है देखो सिंपल सी बात है बेटा जब आप यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हो और इसमें आप एक वायर बनाते हो जो कि इस तरह से है ये वायर कहां है जीरो कोमा ए जीरो कोमा माइनस ए यहां से लेके यहां तक तो वायर है सॉरी एक्स बराबर एक्स में है ना ओके okay, ओके okay. तो इस केस में आपका वायर जो है वो इस तरह से एक्स एक्स के अलोंग रखा हुआ है कैसे रखा आपने माइनस ए बाई टू से प्लस ए बाई टू तक ठीक है तो ये माइनस ए बाई टू से प्लस ए बाई टू तक अब आप एक ऐसे पॉइंट पे फील्ड बताना चाह रहे हो जो ए डिस्टेंस पे है तो देखो ये जो फील्ड है इस वायर की लेंथ के अलोंग पॉइंट लेंथ के अलोंग जब पॉइंट होता है तो उसमें फील्ड कितना आता है जीरो

तो दोनों की क्या वैल्यू इक्वल है क्या नहीं इसका तो है मीनोट आई अपॉन टू पाई आर डॉट में और इसका कितना है मिनोट आई अपॉन टू आर क्रॉस में तो इनमें देखो बड़ा जो है उसमें से छोटे वाले को माइनस कर दो मीनोट आई अपॉन टू आर वन माइनस वन बाई पाई तो कितना हो जाएगा मीनोट आई टू आर पाई माइनस वन अपॉन पाई

पांच सेंटीमीटर दूर वायर से अगर कोई पॉइंट है नॉर्थ में तो उसमें कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा देखो एक वायर जो उसमें करंट डॉट डॉट मतलब करंट ऊपर की तरफ आ रहा है ठीक है अभी आपके पास नॉर्थ है इंफॉर्मेशन दी है आपके पास और ये एक कि जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉर्थ की तरफ है ये मान लिया कितना दिया, इनोंने? इनोंने दिया तो वायर की वजह से पांच सेंटीमीटर डिस्टेंस पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा देखो डॉट करंट ऐसे मैग्नेटिक फील्ड तो वो मैग्नेटिक फील्ड वायर का किधर आएगा इस तरफ कितना आएगा पहले वायर का मैग्नेटिक फील्ड निकालो आप मिनोट आई अपॉन टू पाई डी तो मीनोट फोर पाई टेन माइनस सेवन करंट कितना बेटा टेन टू पाई डी का मतलब फाइव इंटू पर माइनस टू कितना आ जाएगा दो बीस है ना बीस बाई फाइव ट्वेंटी बाई फाइव है ना और ये कितना रहेगा टेन पर माइनस पांच ये कितना रहेगा चार चार इंटू टेन पार माइनस पांच यानि कि पॉइंट फोर गॉस

एट्थ में आपको एओडी और सीओडी दो वायर दिए हुए परपेंडिकुलर और करंट उसमें फ्लो कर रहा है आई वन आई टू तो इस तरह से दो वायर है ठीक है ये आई वन और आई टू अब पॉइंट जो है वो वायर से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ठीक है तो वायर दोनों वायर के प्लेन के परपेंडिकुलर यहाँ एक पॉइंट है तो देखो I1 वाले का मैग्नेटिक फील्ड यू आएगा आई वाले का यू आएगा तो दो तरह के मैग्नेटिक फील्ड बन जाएंगे ये, ये बन जाएगा बी और ये बन जाएगा B2. थर्ड ऑप्शन बन जाएगा इसमें वैल्यू पुट करनी है बी वन कितना आएगा मीनोटन अपोन टू बाई डी बी टू आएगा मीनो टाइम अपोन टू पाई डी प्लस तो आपका कौन सा ऑप्शन बनेगा इसका एट का थर्ड ऑप्शन फिर उसके बाद आते हैं

तो यहां मैग्नेटिक फील्ड वायर का जो है वो नीचे की तरफ है यहां मैग्नेटिक फील्ड वायर का ऊपर की तरफ है अब इसने स्मॉल डिस्टेंस बोला है मतलब इफेक्टिव फील्ड वायर का है बट साथ में अर्थ का भी तो फील्ड होगा तो अर्थ का फील्ड कितर होगा देखो अर्थ का फील्ड जो है वो हमेशा साउथ से नॉर्थ होता है अब जो यहां पे पी पॉइंट है वो तो ईस्ट में है तो पी पॉइंट कौन है इनमें ये है पी पॉइंट है ना ये ये जो है वो क्या है पी पॉइंट और ये क्या है बेटा Q पॉइंट तो बताओ P पॉइंट और Q पॉइंट में ज्यादा फील्ड किस पे आएगा P पे तो फील्ड है वो वो किससे ज़्यादा है है Q से First option जो है वो, correct हो जाएगा का okay? आते हैं हम हमारे tenth question पे tenth में आपको एक फील्ड नॉर्मल टू प्लेन ऑफ कोई एंड एंड रीडिसंटाइज मेजर फ्रॉम कोइल एट ए स्मॉल एच दिस इज स्मर दील्ड बाई फ्रैक्शन देखो इसमें बोला है कोइल है आपके पास ठीक है इस कोइल से आप एच डिस्टेंस पे फील्ड निकालते हो जो कि एच काफी कम है, R के कम R के कम है आर के कंपेरिजन में स्मॉल आर के कंपेरिजन में ठीक है इसकी तो आपको बताना है बी एक्सिस देखो बी एक्सिस का फॉर्मला क्या होता है मीनोट एन आई आर अपॉन टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर पावर थ्री बाई टू अब एच काफी कम है इसमें डिस्टेंस तो देखो मैं क्या कर सकता हूं नॉट एन आई आर स्क्वायर टू आर क्यूब वन प्लस एच स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की पावर थ्री बाई टू ठीक है तो क्या आएगा मे नॉट एन आई ठीक है अपॉन टू आर वन प्लस एच स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस थ्री बाई टू कितना हो जाएगा मीनोट एन आई टू आर वन माइनस थ्री बाई टू थ्री बाई टू एच स्क्वायर अपोन आर स्क्वायर अभी मीनोट एन अपन क्या होता है ये होता है सेंटर का फील्ड तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बी इज बी नॉट वन माइनस थ्री बाई टू एच स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इसको आप सॉल्व करो तो क्या आएगा बी बी नॉट माइनस बी बराबर बी नोट इन टू थ्री बाई टू एच स्क्र स्क्वायर तो इससे क्या आएगा ये आर मतलब वो स्मॉल आर चल रहा है ठीक है ये small r ही चल रहा है सब जगह तो फिर इसको आज इसको सोल्व कर दो क्या बी नोट माइनस बी अपॉन बी नोट ये तो हो गया फ्रैक्शन ये कितना आ रहा है थ्री बाई टू एच स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर तो मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा थ्री बाई टू एच स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर

इलेवें क्वेश्चन में जो एल साइड का स्क्वायर है उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड बताना है तो एल साइड का स्क्वायर के सेंटर पर अगर मैग्नेटिक फील्ड बताओगे तो वो एक वायर की वजह से निकाल के उसका चार गुना कर दो ये एंगल दोनों कितने होते हैं फोर्टी फाइव और फोर्टी फाइव क्या होता है फॉर्मूला बी बराबर म्यूनोट आई अपॉन फोर बाई डी साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू चार वायर इसलिए चार गुना कर दो तो डी कितना आ जाएगा इसके इसमें डी आएगा एल बाई टू है ना तो डी जब एल बाई टू रखोगे तो हम बोल सकते हैं बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल मतलब एल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा थर्ड ऑप्शन ग्यारहवीं का ओके आते हैं हम बारहवीं क्वेश्चन पे क्वेश्चन में आपको एक करंट दिया हुआ है आई जो कि इस तरह से राइट एंगल वाले वायर में फ्लो कर रहा है आपको एक्स वाई के परपेंडिकुलर वाई सेक्टर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है बताना है है बताना ठीक जो कि आर डिस्टेंस पे पॉइंट है ध्यान समझना बेटा केवल एक वायर को सोल्व कर रहा हूं फिलहाल ये केवल वायर को देखना है ना ये वायर इंफाइनेट तक जा रहा है ठीक है एक पॉइंट जो है वो यहां से आर डिस्टेंस पे है ये एंगल फोर्टी फाइव दिया हुआ है ओके अब ध्यान समझो यहां से एक परपेंडिकुलर डालो ये d डिस्टेंस है और एक उस वायर के अपर एंड को मिलाना है ठीक है तो ये एंगल तो कितना हो जाएगा इसको चाहो तो थीटा 2 बोल दो या थीटा 1 बोल दो जो भी बोलना चाहो 90 और थीटा 1 कितना हो जाएगा 45 और d कितना आएगा d आएगा r sin 45 यानी कि 1/√2 अब केवल इस वायर की वजह से फील्ड देखेंगे तो क्या आएगा me not i 4π d की जगह लिख दो r/√2 साइन थीटा वन यानी कि साइन नाइनटी साइन फोर्टी फाइव प्लस साइन नाइनटी भाई थीटा वन किसी को मानो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि प्लस ही करना है ठीक है तो कितना आ जाएगा अपने पास म्यूनोट आई अपॉन फोर पाई आर रूट टू पर जाएगा वन अपॉन रूट टू प्लस वन तो इसको जब आप एलसीएम लेके काटोगे तो एक वायर का फील्ड आएगा म्यूनोट आई आए अपॉन फोर पाई आर Two, ये एक वायर का फील्ड है तो पाई आर एक वायर का फील्ड है ऐसे दो वायर का कितना हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन डबल कर दो और क्या तो मेरा ट्वेल्व का आंसर क्या हो जाएगा फोर उसके बाद आता है नोट करें बेटा एक वायर का फील्ड निकाल के डबल करना है क्योंकि डायरेक्शन दोनों की सेम है देखो इसमें भी फील्ड क्या क्रॉस और इसका भी फील्ड क्या आएगा क्रॉस तो दोनों क्रॉस यानी कि दोनों जुड़ना ही है अगला आता है थर्टीन क्वेश्चन थर्टीन क्वेश्चन में दो सेम लेंथ एल के वायर है ए और बी बीमें आई करंट फ्लो रहा है ए को आर में और बी को ए के स्क्वायर में मोड रहे हैं अपन तो मैग्नेटिक फील्ड बताना है सेंटर पे चलो पहले इसकी वजह से बताना है सर्किल की वजह से ठीक है तो सर्किल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा मे नॉट आई अपॉन टू आर आर कितना हो जाएगा एल बाई टू पाई टोटल तो लेंथ ऑफ वायर के बराबर है आ गया फिर अब स्क्वायर की बात करते हैं। आपने इसे स्क्वायर बना दिया तो स्क्वायर के सेंटर पे नेट फील्ड कितना आएगा? एक साइड का निकाल के उसका चार गुना करो एक साइड का फील्ड कितना आएगा? देखो मैं इसकी साइड लेंथ अगर स्मॉल ए, ए मानता हूं तो मिनोट अपन फोर पाई ए, ए बाई टू है ना साइन फोर्टी फाइव अभी समझाया था ना स्क्वायर के लिए साइन फोर्टी फाइव इस तरह से बनता है तो देखो 4 से 4 खत्म ये कितना हो जाएगा 2 μ0 π a कितना हो जाएगा l 4 क्योंकि यहां पे l बराबर क्या है 4a ठीक है और ये क्या हो जाएगा 1 upon root √2 ऐसे दो बार है तो 2 by root √2 आ जाएगा अब देखो कितना आएगा बेटा i भी आएगा ना साथ में ये i आ गया तो कितना आ जाएगा बेटा μ0 i π l एट रूट टू है ना तो आएगा एट रूट टू अब यहां पे देखें अपन बेटा तो टू से टू टू तो कट रहा है ठीक ठीक है 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 तो ये कितना आ रहा है? आई पाई एल, अब इन दोनों को आप सॉल्व करोगे तो बी वन बाई बी टू पूछा है है ना तो नॉट आई पाई अपॉन एल ये कितना आ जाएगा एट रूट टू अपॉन पाई एल ठीक है तो कितना हो जाएगा है? पाई से पाई खत्म आई से आई खत्म है ना तो इस केस में आपके पास बचेगा पाई स्क्वायर अपॉन एट रूट टू सेकेंड ऑप्शन तो यहां मेरा सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा थर्टीन का तो कंफ्यूजन बेटा इसमें उसके आता है अपन हमारे फोर्टीन के ऑप्शन पे नोट करे बेटा एक बार 14 में दो करंट कैरिंग सेम कॉमन सेंटर पर रखा हुआ है एक तो इस तरह से है और एक इस तरह से है तो जो दोनों के मैग्नेटिक फील्ड बनेंगे वो किस तरह से बनेंगे एक का ऐसे बनेगा और एक का ऐसे बनेगा तो ये भी अगर बी है ये भी अगर बी है तो नेट फील्ड कितना आएगा रूट टू टाइम्स ऑफ बी तो ये बोल रहे सिस्टम का जो मैग्नेटिक फील्ड है रूट टू बी और एक कोईल का मैग्नेटिक फील्ड उसका रेशियो क्या आएगा तो रूट टू एस टू वन यानी कि सिस्टम की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका रेशियो और एक कोईल का मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो सिंपल फिफ्टींथ में बात करते हैं फिफ्टींथ में आपको इस तरह के सिस्टम के लिए ओ पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है सेंटर पे तो देखो ओ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हर पार्ट का मैग्नेटिक फील्ड निकालो इन दोनों का तो जीरो आएगा क्यों क्योंकि ये जो पॉइंट है वो इन दोनों की लेंथ और वायर कभी भी अपनी लेंथ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करता ठीक है अब तो जुड़ेगा ना तो दोनों के जुड़ने वाला तो यही ऑप्शन है कुछ करना ही नहीं इसमें तो बाकी सॉल्व करना चाहो तो कर लो कि म्यूनोट आई वन अपॉन आधा है ना तो फोर आर वन प्लस म्यूनोट आई टू आई तो सेम है आई तो दोनों सेम होगा ना एक ही तो लूप है अपोन फोर आर टू तो ये हो जाएगा मिनट आई अपॉन पाई से पाई काटो तो वही ऑप्शन आ रहा अपना का क्या आ जाएगा फोर फिर उसका आता है में आपको बोला है कि इस तरह के दो थिक वायर है और दो थिन आपने एक सिस्टम बनाया किस सेंटर किसके सेंटर में फील्ड जीरो आएगा भाई मैग्नेटिक फील्ड जीरो तब आएगा जब दोनों ब्रांचेस में करंट सिमेट्रिकली डिवाइड हो जाए आधी आधी डिवाइड हो जाए तो देखो ये रेजिस्टेंस अगर आर वन मानो इसका आर टू मानो इसका भी आर वन मानो और इसका भी आर टू मानो r1 r1 r2 r2 r1 r2 r2 r1 अब देखो जिन ब्रांचेस में डिवीजन करना उनमें अगर रेजिस्टेंस इक्वल होंगे तो करंट भी इक्वल इक्वल जाएगी तो इसका मतलब यहाँ पे करंट का इक्वल जो डिवीजन होगा वो किस में होगा इस वाले में करंट जो है वो i/2 इधर वाले में भी i/2 तो जब करंट इक्वल जाएगी तो जो दोनों हिस्से हैं वो अपने-अपने मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल कर देंगे ऐसा ही यहां भी होगा देखो यहां भी आर वन प्लस यहां भी आर वन प्लस तो करंट जिस केस में आधी आधी बटेगी वहीं पे मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे जीरो होगा मतलब और और मेरा ऑप्शन नंबर क्या क्या हो जाएगा यहां यहां पे देखो रेजिस्टेंस है R1 और ये, R2. ये तो अलग अलग आ रहे हैं आर वन आर टू सेम तो होंगे नहीं तो करंट भी अलग अलग जाएगी तो करंट अगर पचास पचास परसेंट से अलग है तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कभी कैंसिल हो ही नहीं पाएगा ओके बेटा तो सिक्सटीन का आंसर हो जाएगा फोर आगे बढ़ते हैं हमारे सेवेंटीन पे 17 में आपको इस तरह से एक दिया हुआ है और इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड आपसे पूछा है एंड्स पे मैग्नेटिक फील्ड पूछा है ठीक है तो सोलोनेट की जो तो डायमेंशन है वो देख लेते हैं अपन इस तरह से एक सोलोनेट दी गई है है ना ये एक्सिस इसकी टोटल लेंथ क्या है पॉइंट फोर मीटर फोर्टी सेंटीमीटर मतलब पॉइंट फोर मीटर डायमीटर कितना है सिक्सटी सेंटीमीटर रेडियस आएगी पॉइंट थ्री मीटर ठीक है उसके बाद इसके एक एंड पे बताना एक एंड का मतलब मैं यहां की बात कर रहा हूं तो देखो पहले तो उधर वाले एंड को मिलाओ इस वाले को मिलाओ ये हो गया थीटा वन है ना ये हो गया थीटा टू तो देखो सबसे पहले फॉर्मूला लिख देते अपन म्यू नॉट स्मॉल n i बाई टू कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू म्यू नॉट है ना वैल्यू डाल दो इसकी फोर पाई टेन पावर माइनस सेवन कितने टर्न है बेटा इसमें टर्न है सिक्स हंड्रेड कितनी तो टर्न आएंगे पर लेंथ में? कितना दिया हुआ है? माइनस कॉस्ट नाइनटी जीरो जब आप सॉल्व करोगे तो देखो ये कितना आएगा फोर बाय फाइव है 4 5, ना तो फोर बाई फाइव इससे ये खत्म है ना फिर आपके पास आएगा फोर से ये कटेगा टेन टाइम्स टेन टाइम्स से कट गया अब टेन के बाद आपके पास आएगा सिक्स इंटू दिस है ना टू भी है तो टू से टू टाइम्स कट जाएगा तो टू यानी कि ट्वेल्व है ना तो ये आ जाएगा मेरे पास ट्वेल्व पाई छोड़ दो अब देखो पावर देखते हैं माइनस सात और दो माइनस पांच माइनस आठ माइनस सात तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं वन पॉइंट टू पाई टेन टू तो दावर माइनस सिक्स टेस्ला तो वन पॉइंट टू पाइव टेन पावर माइनस सिक्स टेस्ला सेवनटीन का फर्स्ट ऑप्शन ओके बेटा उसके बाद आता हम हमारे एटीन पे एटीन क्वेश्चन में हम बात करेंगे तो एटीन क्वेश्चन में देखो आपको दिया हुआ है कि एक आ, आ, चार्ज दिया हुआ है उसका आ, मास दिया हुआ है और उसकी वेलोसिटी दी गई है आपको बताना है कि उस पे कितना मैग्नेटिक फोर्स जो है वो लग रहा है ठीक है तो सिंपल सा यहाँ पे फॉर्मुला है बेटा एफ एक क्रॉस बी क्यू कितना दिया हुआ है टू टेन टू दावर माइनस सिक्स वी कितना दिया हुआ है वी दिया हुआ है टू आई प्लस थ्री जे माइनस का फोर के क्रॉस बी कितना दिया हुआ है थ्री आई माइनस का टू के ठीक है चलो अब इनको मैं क्रॉस कर लेता हूं तो टू 3 माइनस फोर तीन जीरो माइनस टू आई जे के क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो डिटर्मिनेंट सोल्व करना पड़ेगा ना तो कितना हो जाएगा माइनस सिक्स आई केफ के लिए जाएगा माइनस ट्वेल्व और आठ माइनस एट जे के लिए माइनस नो के के, के, के के तो माइनस छ माइनस आठ माइनस नो मेरा ऑप्शन कौन सा मेज कर रहा है थर्ड ऑप्शन तो अठारहवे का थर्ड ऑप्शन आंसर आ जाएगा ओके बेटा कोई कंफ्यूजन इसमें फिर आता उन्नीसवा इसमें आपको प्रोटॉन, एल्फा और ड्यूट्रॉन दिया हुआ है सेम काइनेटिक एनर्जी के साथ मैग्नेटिक फील्ड में मूव करते हैं तो आपको रेडियस का रेशियो बताना है ठीक है तो रेडियस क्या होता है एम वी अपोन क्यू मोमेंटम को मैं ले सकता हूँ रूट टू के एम बट क्यू बी काइनेटिक एनर्जी सेम है इसका मतलब आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एम बाई क्यू कौन कौन है बेटा प्रोटोन एल्फा ड्यूट्रॉन कितना हो जाएगा एम कितना है एम हो जाएगा एम प्रोटोन का और क्यू मान लेते हैं एल्फा का क्या हो जाएगा फोर एम बाई टू क्यू और क्या क्यू तो क्या आएगा बेटा वन वन रूट टू तो वन वन रूट टू मेरा ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा नाइनटीन में कोई कंफ्यूजन फिर उसका आता अपना ट्वेंटी 20 की बात करते हैं तो 20 में आपको दो प्रोटॉन दिए हुए हैं टू चार्ज प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल वाड़ प्रोजेक्टेड यूनिफॉर्म ट्रांसफर मैग्नेटिक फील्ड Bn2b तो सर्कुलर पाथ में इनकी रेडियस सेम है तो इनकी काइनेटिक एनर्जी का, का रेशियो रहा है भाई r बराबर क्या होता है √2km/qb इसका मतलब क्या हो जाएगा qb r का स्क्वायर अपॉन 2m इज व्हाट काइनेटिक एनर्जी तो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो अगर बताना है कि प्रोटॉन एंड के एल्फा ठीक है तो देखो क्या आएगा क्यू प्रोटॉन का चार्ज कितना है क्यू बी है इसका मैग्नेटिक फील्ड बी और आर तो सेम दिया हुआ है, है? ठीक इसका स्क्वायर डिवाइड बाय 2m अब आपको बताना है एल्फा एल्फा का चार्ज होता है 2Q मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया है 2B और R फिर भी सेम आ रहा है अब एल्फा का मास कितना होता है फोर एम तो चार का स्क्वायर सोलह सोलह डिवाइड बाई चारन बाई फोर का रेशियो तो आ रहा है तो वन बाय फोर का है नहीं कि मेरे पास आंसर आएगा थर्ड ऑप्शन ट्वेंटी का ट्वेंटी का थर्ड इसमें कोई दिक्कत बेटा फिर उसका आता है ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन में बात करते हैं तो ट्वेंटी वन में आपको एक बीमो प्रोटोन दिया हुआ है जो मैग्नेटिक फील्ड से थर्टी डिग्री के एंगल पे एंटर होता है तो हेलिकल पाथ की रेडियस बतानी है आपको बिल्कुल ठीक बात तो हेलिकल बात की रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है साइन मास कितना दिया है 1 2, sin 30 की उसके बाद आपको क्यू कितना दिया है क्यू क्या है बेटा प्रोटोन है ना तो वन पॉइंट सिक्स टेन पावर माइनस 19, और इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या क्या हो जाएगा पॉइंट थ्री इन डेटा को जब आप सॉल्व करोगे बेटा तो आपका आंसर बनेगा इसका पॉइंट सेवन जीरो सेंटीमीटर थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन कर लेना क्योंकि ऑप्शन दूर दूर है ना तो अप्रोक्सीमेशन करने से आपका आंसर बनेगा तो वो ऑप्शन दूर दूर इसलिए कोई दिक्कत नहीं है तो पॉइंट सेवन जीरो सेंटीमीटर के आसपास आपका ऑप्शन इसका इजिली बन जाएगा सोलविंग दिस ठीक है उसके बाद आएगा आपके पास अगला क्वेश्चन चलो देखते हैं चार्ज पार्टिकल एंटर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी और स्पीड कभी भी चेंज नहीं होते क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है जो कि केवल डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज करता है तो इसका मतलब इसमें सेम काइनेटिक एनर्जी ट्वेंटी टू का मेरा ऑप्शन हो जाएगा थर्ड ठीक है बेटा उसके बाद आते हैं हम हमारे ट्वेंटी थर्ड क्वेश्चन पे लिख लो एक बार यहां तक ट्वेंटी थर्ड में आपको एक चार्ज पार्टिकल दिया हुआ है इनिशियल वेलोसिटी यह दिया हुआ है अब देखो पाथ कैसा होगा सबसे पहले देखो इनिशियल वेलोसिटी और बी के बीच में देखो आई कंपोनेंट तो दोनों में आ रहा है आई कंपोनेंट दोनों में आ रहा है मतलब अगर केवल आई कंपोनेंट होता दोनों पैरेलल होते कोई फोर्स नहीं लगता केवल जे कंपोनेंट होता है और ये आई होता तो परपेंडिकुलर होते सर्कुलर पाथ बनता लेकिन यहाँ वेलोसिटी जो है देखो मैग्नेटिक फील्ड तो इधर है वेलोसिटी वेलोसिटी में जे कंपोनेंट भी मतलब इधर है एंगल जो है वो नाइनटी तो नहीं है ना इसका मतलब पाथ कैसा बनेगा हेलिकल ठीक है ये ट्वेंटी थ्री का थर्ड ऑप्शन हो जाएगा बच्चों अगला आता हमारा ट्वेंटी फोर्थ क्वेश्चन सर्कुलर लूप दिया हुआ है आर रेडियस एम मास का जो की एक्स वाई प्लेन में है तो एक्स वाई प्लेन में इस तरह से एक लूप को रखा गया है ना ये मान लो एक टेबल है इसमें मैग्नेटिक फील्ड हमने लगाया है एक्स कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट दोनों है मैग्नेटिक फील्ड के तो मैग्नेटिक फील्ड का एक तो है एक्स कंपोनेंट और एक है जेड कंपोनेंट ठीक है अब जो मैग्नेटिक फील्ड ये जो कोयल का मैग्नेटिक मोमेंट है वो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन क्या आएगी कोयल के मैग्नेटिक मोमेंट की जो डायरेक्शन आएगी वो आएगी इस तरह से कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा कोयल का

अभी दोनों को इक्वल कर दो तो इसका मतलब एन आई ए बी एक्स बराबर एम जी आर क्या पूछा है बेटा इन्होंने आई की वैल्यू तो आई क्या हो जाएगा एम जी आर अपॉन ए बी एक्स तो एम जी आर अपॉन ए बी एक्स तो यहां पे एम जी आर आई की वैल्यू आएगी एम जी आर अपॉन एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर बी एक्स तो ये पाईआर स्क्वायर से एक आर कट जाएगा मेरा ऑप्शन क्या आ जाएगा थर्ड ऑप्शन ठीक है तो ये रोटेशनल का क्वेश्चन है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड का किया हुआ है. ओके 24 25. तो 25 की बात करते है 25 में आपको इसकी डायमेंशन बतानी गिवन पैरामीटर की तो देखो हमें पता है बी स्क्तर अपॉन टू मिनट और इसको लिख दो आर इंटू सी का स्क्वायर यही है ये क्या होता है एनर्जी डेंसिटी होता है और ये क्या होता है टाइम कांस्टेंट का स्क्वायर तो एनर्जी डेंसिटी क्या होता है एनर्जी डिवाइड बाय वॉल्यूम एल क्यूब और टाइम कांस्टेंट क्या हो जाएगा टी वन का स्क्वायर तो कितना आ रहा है एम वन एल माइनस वन टी जीरो एम वन एल माइनस वन फर्स्ट ऑप्शन आएगा ट्वेंटी फाइव का ओके okay, बेटा आते हैं हम हमारे ट्वेंटी सिक्स क्वेश्चन पे एन लेंथ और मास पे रखी हुई है इंक्लाइनेशन पे कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, है, ध्यान रखना। तो ये इसकी है, जो है। अब इसमें होंगे सबसे पहले तो एम लग रहा होगा वो एम इस तरह से लग रहा होगा तो एम के दो कंपोनेंट आएंगे एक तो आएगा एम जी थीटा एक आएगा एम जी थीटा अब अगर इसमें मैग्नेटिक फील्ड करंट मान लो अंदर की तरफ है मैग्नेटिक फील्ड अगर ऊपर लगाता हो तो करंट अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड ऊपर फोर्स इधर आएगा ना ऐसे तो फोर्स ऐसे आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह होने से फोर्स आएगा इधर इधर अब इस का एक कंपोनेंट आएगा थीटा ठीक है और एक इधर आएगा आई एल बी साइन थीटा अब ये वायर कॉन्स्टेंट वाले जा रहा है मतलब ये दोनों आपस में कैंसिल होने चाहिए तो इसका मतलब क्या हो जाएगा इस केस में एम जी साइन थीटा बराबर आई एल बी कॉस्थीटा तो इसमें क्या पूछा है इन्होंने तो मैग्नेटिक फील्ड बताना है ना एम जी अपॉन आई एल साइन थीटा बाई कॉस्टा एम जी अपॉन आई एल टेन थीटा मेरा ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा ट्वेंटी सिक्स में ओके बेटा अगला आता है ट्वेंटी सेवन एक बार नोट कर ले से इसमें करंट मेरे अंदर की तरफ आनी है वायर में ना तो वायर में जो करंट है वो अंदर की तरफ क्रॉस अंदर की तरफ यूं तो करंट अंदर मैग्नेटिक फ़ील्ड ऊपर फोर्स इधर आ ट्वेंटी सिक्स 26 ट्वेंटी सेवन की बात करते हैं इन पार्टिकल्स को सेम स्पीड से मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर फेंका है कौन सा मिनिमम फोर्स फील करेगा देखो फोर्स क्या होता है क्यू वी बी वी और बी तो सेम कर दिया मतलब फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू इसका चार्ज कितना है थ्री इसका है इ, इसका है है टू इ, और इसका है टू ई तो मिनिमम कौन फोर्स फील करेगा प्रोटोन ट्वेंटी सेवन का सेकेंड ऑप्शन अगला आता है ट्वेंटी एट एक बार लिखे यहां तक ट्वेंटी एट में इलेक्ट्रिक करंट जो है वो स्क्वायर पे जा रही है अब देखो इसमें कैसे जा रही है ध्यान समझना इस तरह से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो स्क्वायर में डायगोनली एंटर होती है और डायगोनली बाहर निकल जाती है तो है तो करंट जो वो इस तरह से, से जा रही है है अब ये करंट अगर आई है, तो दो बराबर इस बटेगी two, और इधर से भी आई बाई टू तो इसमें जो सेंटर है उस सेंटर पे नेट फील्ड कितना आएगा जीरो अब वो बोल रहे हैं कि एक चार्ज जो है वो इस सेंटर से पास होता है वी स्पीड से अगर कोई चार्ज इस सेंटर से वी स्पीड से पास करेगा तो अगर वहां पे मैग्नेटिक फील्ड ही जीरो है तो बताओ उसमें फोर्स कितना आएगा फोर्स आएगा जीरो किस वक्त जब वो सेंटर से पास हो रहा होगा यानी कि फोर्थ ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाएगा इस केस में ओके okay? क्योंकि सेंटर में नेट फील्ड जीरो है तो ए 28 का क्या हो जाएगा फोर्थ अगला आता है ट्वेंटी नाइन देखो बच्चों ट्वेंटी नाइन क्वेश्चन में आपको एक प्रोटोन दिया हुआ है चार्ज उसका दिया हुआ है उसका एंगल जो वेलोसिटी का दिया हुआ है सिक्सटी डिग्री दिया हुआ है तो सिक्सटी डिग्री एंगल के साथ जब ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है तो ये एंगल तो है 60 डिग्री बट इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो है वो के लोंग दिया हुआ है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड के लोंग है। तो से थीटा तो इसमें आप साइन थीटा थर्टी रखोगे मास दिया हुआ है तो ये सब सॉल्व करने आ जाएगा आपके पास पॉइंट वन मीटर और टाइम पीरियड क्या था टू पाई एम अपॉन क्यूबी

मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो वी स्पीड से इलेक्ट्रॉन तो 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 जो है वो इस फोर्स की वजह से ऐसे आता हुआ यू मुड़ेगा जब ये बाहर निकलेगा ना तो बाहर निकलेगा तो उसकी स्पीड तो वी रहेगी बट उसका कोर्डिनेट जो है वो लेस देन जीरो जाएगा तो मेरा फोर्थ ऑप्शन जो है वो थर्टी का

वायर का मैग्नेटिक फील्ड कैसा आएगा ऐसा आएगा ना तो ये वायर का मैग्नेटिक फील्ड आएगा इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो इस तरह से आ जाएगी ठीक है अब इस मैग्नेटिक फील्ड में वैल्यू तो आ जाएगी नॉट आई अपॉन टू पाई डी डी या आर जो भी आप बोलना चाहो तो ये कितना आ जाएगा म्यूनोट आई अपॉन टू पाई कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस अब बात आती है डायरेक्शन की तो ये डायरेक्शन जो है इसका वेक्टर मुझे लिखना होगा ठीक है तो इस तरह का एक सर्किल बनाते हैं है ना ये एंगल अगर थीटा है जितना एक्स एक्सिस से एंगल बनेगा उतना ही इधर भी एंगल बनेगा ठीक है अब इस एंगल के लिए अगर मान लो मुझे इसमें देखना है तो ये क्या हो जाएगा इसमें एक्स और ये क्या हो जाएगा वाई तो यहां अगर मैं इसके लिखूं तो थीटा के बगल में ये क्या हो जाएगा मेरे पास देखो अगर ये सॉरी सॉरी थीटा इधर से बनेगा ना फिर ये तो इस केस में तो तो ये एंगल थीटा बन जाएगा तो इस केस में बी का एंगल जो बनेगा वो बनेगा थीटा इस तरह से तो देखो बी से इधर एक्स है ना तो अब इसमें एक्स कौन सा वाला कंपोनेंट आएगा डायरेक्शन अगर आप लिखोगे बी की तो ये इसमें आ जाएगा आरकेप आरकेप या जो भी वेक्टर आपका बी के डायरेक्शन का बी, बी के तो तो मतलब तो उसमें कौन सा थीटा के सामने मतलब कि y और इधर क्या आ जाएगा इधर आएगा एक्स है ना तो ये डायरेक्शन में बड़ा इसमें वेक्टर का कंसेप्ट है, है ना क्योंकि इधर जो टेन थीटा है वो किससे लिखोगे इस ट्राइंगल में तो y बाई एक्स और इस ट्रायंगल में भी tan थीटा y/x लिखना पड़ेगा ना तो y इसका तो ये साइड होनी चाहिए ताकि y यहां पर परपेंडिकुलर बन जाए तो इस केस में क्या हो जाएगा y i x j है ना अब इसका फिर वापस आपको मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा ना यानी कि y2 x2 दिस तो आपका इसमें आंसर बनेगा 2 pi yi xj यानी कि फर्स्ट ऑप्शन 31 का ओके बेटा 31 में आई होप आप लोगों ने कई लोगों ने डायरेक्शन में मिस्टेक करी होगी बट ध्यान रखना यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट काम में लेना है थर्टी वन के बाद थर्टी टू थर्टी टू में बात करते हैं थर्टी टू में आपको बोला है कि कौन से केस में कौन सी पॉसिबिलिटी ऐसी है कि पी पॉइंट से आगे जाने के बाद पार्टिकल नॉन सर्कुलर पाथ को फॉलो करे है ना अब नॉन सर्कुलर पाथ को फॉलो करे उसकी कंडीशन देखना जैसे नॉन सर्कुलर पाथ क्या होता है कि जो वेलोसिटी है वो तो चलो आई आईकेफ में है

अब उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो टुवर्ड्स नेगेटिव आई है इलेक्ट्रिक फील्ड को नेगेटिव आई में लगा दो तो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर हो जाएगा अब ये बोल रहे हैं कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होना चाहिए ताकि नेट फोर्स जीरो आए उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स किधर आना चाहिए बेटा मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स आना चाहिए नीचे इलेक्ट्रॉन अगर इधर मूव कर रहा है उसमें मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स नीचे लाना है तो मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए अंदर यानी कि नेगेटिव जेड एक्सिस में ताकि

Q V क्रॉस B. Q केवल डायरेक्शन बतानी है अपन को डायरेक्शन बतानी है ना बस तो ऐसा करो केवल वैल्यूज लिख दो Velocity क्या है आई प्लस टू जे प्लस थ्री के इनका केवल क्रॉस करो तो आई क्रॉस आई तो होता है जीरो आई क्रॉस जे क्या होता है k और आई क्रॉस के क्या होता है माइनस जे जे और के में फोर्स आ रहा है मतलब कौन सा प्लेन है ये एक्स जेड प्लेन तो सॉरी वाई जेड प्लेन

अगला आता है 36 36 में बात करेंगे तो एक चार्ज क्यू जो है वो अब वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है एंटर मैग्नेटिक फील्ड टुवर्ड्स ईस्ट है ना वर्टिकली अपवर्ड का मतलब देखो यहां पे डायरेक्शन अपन लेते हैं नॉर्थ सॉरी नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ पार्टिकल ऊपर जा रहा है मतलब वेलोसिटी वेक्टर किधर है वेलोसिटी वेक्टर है डॉट ऐसे बाहर आ रहा है ठीक है मैग्नेटिक फील्ड किधर है मैग्नेटिक फील्ड है टुवर्ड्स East. तो देखो मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर ये और ये से फोर्स तो किधर लगेगा ऊपर मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे है ना राइट हैंड देखो मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी ऐसे बाहर की तरफ तो फोर्स आएगा ऊपर की तरफ ऊपर मतलब कि इधर तो ये फोर्स किस डायरेक्शन में आएगा इस पे नॉर्थ मेरा आंसर हो जाएगा फर्स्ट थर्टी सिक्स का उसके बाद मेरे पास अगला थर्टी सेवन 37 में एक पार्टिकल जो है वो मूव कर रहा है वेलोसिटी से 10 पर 8 अलोंग द एक वाई एक्सिस यूनिफॉर्म स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड जो है एक्स डायरेक्शन में फोर्स क्या होगा बिल्कुल सिंपल सी बात है बेटा फोर्स के लिए, लिए लिख दो एफ इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी क्यू क्या हो जाएगा इस केस में क्यू हो जाएगा 10 टू द पावर -11 वी क्या है 10 टू द पावर आई कैप सॉरी जे कैप क्रॉस बी बी क्या है पॉइंट फाइव आई के तो कितना हो जाएगा टेन पार माइनस थ्री इन पॉइंट फाइव इन जे क्रॉस आई क्या होता है जे क्रॉस आई होता है मेरे पास माइनस के तो ये जाएगा फाइव टेन पार माइनस फोर माइनस के फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा मेरा तो थर्टी सेवन का आ जाएगा फोर्थ उसके आ जाते हैं थर्टी एट पे थर्टी एट में ये बोल रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी जो है वो किस पर डिपेंड नहीं करती साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी तो देखो सिंपल सी बात है बेटा साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी वही होती है जो एसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी या पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी होती है पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी क्या होती है क्यूबी अपॉन टू पाईएम तो एसी अब क्यू कितना हो जाएगा इस केस में एफ एसी फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी क्या हो जाएगा क्यू है ना क्यू हो जाएगा मेरे पास चार्ज बी B क्या हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड मास आ रहा है स्पीड पे डिपेंडेंसी नहीं है तो एक स्पीड वाला फैक्टर होगा हो डिपेंडेंसी नहीं है थर्टी एट फिर आते हैं इलेक्ट्रॉन दिया 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 हुआ 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 है है उसका चार्ज वेलोसिटी एंटर करता मैग्नेटिक फील्ड में सर्किल करता है तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताना है आर बराबर क्या होता है बेटा एम वी बाई क्यू बी एम कितना है नाइन टेन पॉल माइनस थर्टी वन वी टेन पार सिक्स 1.6 एन पॉइंट माइनस नाइनटीन बी बी बताना है और R कितना दिया हुआ है आपको इसमें, R दिया हुआ पॉइंट वन तो इसको जब आप सॉल्व करोगे 39 में तो 39 में आपका ऑप्शन यहाँ पे सॉल्व करने पे देखो तो B आ जाएगा आपके पास 9 टेन टू दावर माइनस छ कम कर दो तो माइनस पच्चीस 6, 10 19 अब 1.6 पावर माइनस नाइनटीन और इधर बच जाएगी नाइन बाई वन पॉइंट सिक्स सोलह पॉइंट कुछ आ जाएगा तो ये सेकंड ऑप्शन मेरा बन रहा है थर्टी नाइन में ओके अप्रोक्सीमेशन कर देना एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है अगला आएगा फोर्टी फोर्टी में आपको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है वर्टिकली अपर्ड थ्रो है वॉल्यूम ऑफ लेबोरेटरी चैम्बर प्रोटॉन जो है वो साउथ टू नॉर्थ जा रहा है कैलकुलेट द मैग्नेट सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन देखो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन हो जाएगा फोर्स डिवाइड बाय मास फोर्स क्या होता है क्यू वी बी डिवाइड बाय मास क्योंकि फोर्स जो परपेंडिकुलर लग रहा है वही तो एक्सेलरेशन डिसाइड करेगा तो क्यू कितना है क्या था बेटा ये प्रोटॉन था ना 1.6 10 टू द पावर 19 वी v कितना दिया इसमें थ्री इंटू टेन पावर सेवन b b दिया वन पॉइंट टू टेन टू दावर माइनस थ्री माइनस थ्री और डिवाइड बाय मास वन पॉइंट सिक्स सेवन टेन टू दावर माइनस ट्वेंटी सेवन तो इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो आपके पास आ जाएगा देखो ये तो ऑलमोस्ट एक बार कट जाएगा भारतीय रहा है अपना ऑप्शन ऑप्शन तो के पास का पावर चेक कर लेते हैं सत्ताईस चौतीस और, और इसमें कम कर दो को तो बारह बच जाएगा फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है मेरा फोर्टी का ठीक है तो फोर्टी का फर्स्ट आ जाएगा कोई दिक्कत नहीं है इसका आते फोर्टी वन पे फोर्टी वन में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डायरेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड

तो अब इस केस में ये तीन वायर हो जाएंगे तो अब इस केस में बोल रहे हैं कि अगर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किस तरह से है वर्टिकली अपवर्ड है मैग्नेटिक फील्ड डॉट मान लो तो अब इसमें करंट सब में सेम है, सब सेम है, सब में सेम 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 है है लेंथ सब से बी सबके लिए सेम है सब पे फोर्स कितना लगेगा एफ इक्वल टू बी आई एल सब पे लगेगा ये तो क्योंकि सब में भाई चाहे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऐसे है आप करंट चाहे यू हो यू हो यू हो वैल्यू तो सब में सेम आएगी ना डायरेक्शन अलग अलग आएगी फोर्स की जैसे मान लो

ये बोल रहे हैं कि F1 is the force exerted by B on A, है ना B A पे कितना फोर्स लगाएगा देखो फोर्स पर इंट लेंथ होता है म्यू नॉट I I1 I2 upon 2 pi x into length कर दो तो ये क्या हो जाएगा फोर्स ऑन A by B, ठीक है F2 is the force exerted by C on A. अब C कितना लगाएगा A पे वो देखना है तो म्यू नॉट I 2 I

ऑफ मैग्नेटिक नीडेड टू एक्सेलरेट द ड्यूट्रोन अब देखो ड्यूट्रोन को एक्सेलरेट करने के लिए कितना मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रोन क्या होता है क्यू बी अपन टू पाई एम क्यू बी अपॉन टू पाई एम तो बी क्या हो जाएगा इस केस में टू पाई एम एफ अपॉन क्यू टू पाई एम एम कितना है थ्री पॉइंट थ्री एफ कितना है टेन टू दावर ट्वेल्व अच्छा ट्वेल्व मेगा तो सॉरी ट्वेल्व मेगा अर्जन की ट्वेल्व इन टेन पार सिक्स क्यू न्यूट्रॉन है ना न्यूट्रॉन का चार्ज तो एक प्रोटॉन जितना ही होता है ये आ गया ठीक है अब इस केस में आप सॉल्व करोगे मैग्नेटिक फील्ड के लिए तो 19 और 6 25 तो -2 तो पावर बच जाएगी ठीक है अब इधर देखते हैं 12 और 6.6 6.6 इनटू 12 पाई अपॉन 1.6 ठीक है 6.6 से इसको काटोगे तो सॉल्व चौसठ चार बार कटेगा ऑलमोस्ट बार चौकड़ तालियाँ पचास, तो 50 तो 50 पाई आएगा 50 पाई

45 में पार्टिकल जो है इसका चार्ज पांच माइक्रोकुल में मास इतना है इसको वन किलोमीटर की स्पीड से मैग्नेटिक फील्ड में थ्रो किया गया है एंगल कितना है एंगल भी दे दिया पिच पूछा है वेरी गुड तो देखो पिच का तो सिंपल सा फॉर्मुला होता है मेरे पास पिच होता है टाइम पीरियड टू पाई एम अपॉन क्यू बी इन वी का वो कंपोनेंट जो मैग्नेटिक फील्ड के पैरल वी कॉस थीटा तो टू पाई एम है ना m कितना दिया है 5 10 माइनस -12 q कितना दिया है इन्होंने 5 10 माइनस 6 b कितना दिया हुआ है 5 10 माइनस 3 v कितना दिया हुआ है v दिया हुआ आपको 1 किलोमीटर पर सेकंड यानी कि 10 पार 3 cos थीटा क्या होता है cos थीटा होता है देखो तो sin थीटा क्या आ जाएगा इससे 0.9 cos थीटा क्या होता है स्क्वायर यानी यानी कि कि का ठीक है अब देखो आ रहा है साथ में और ऑप्शन में सब में दिया हुआ रूट वोट बना देंगे उसका कोई दिक्कत नहीं है है ठीक तो ये आ गया अब देखो सॉल्व करेंगे पांच से पांच काटो है ना कितनी पावर बचेगी माइनस छ बस रही इधर माइनस छ में तीन और जोड़ दो माइनस तीन बचेगी तो माइनस तीन ये देखो माइनस तीन और ये नो no, तो कट जाएगी पूरी पावर ही कट रही है तो कट गई तो क्या बचा मेरे पास टू पाई बाई फाइव इसको रूट नाइनटीन करके टेन पावर माइनस टू कर दू तो कितना हो जाएगा ट्वेंटी पाई बाई फाइव रूट नाइनटीन टेन टू तो पावर माइनस वन इसमें से आएगा और वन वापस एक तो माइनस टू आ जाएगा तो फोर पाई रूट नाइनटीन सेंटीमीटर मेरा थर्ड ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा 45 का कोई कंफ्यूजन बेटा यहां तक और उसके बाद आता है 45 के थर्ड के बाद 46 46 में एल लेंथ का वायर है आई करंट वाई एक्सिस के लोगे मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है मैग्नेटिक ऑफ वायर देखो वाई एक्सिस के लोगे अगर मैग्नेटिक फील्ड दे रहा ठीक है तो वाई एक्सिस के लोंग अगर वायर है लेंथ जो है वो जे केप में है फोर्स क्या होता है आई एल क्रॉस बी आई एल और बी को तो बाहर निकाल लो इधर लिख दो जे के क्रॉस आई प्लस जे प्लस के तो क्या आएगा बेटा इस केस में देखो आप आई एल बी तो बाहर जे क्रॉस आई क्या होता है माइनस के जे क्रॉस जे क्रॉस के क्या होता है आई इसका मॉड निकालो तो कितना आएगा रूट टू टाइम्स ऑफ बी एल आई ये फोर्स का मैग्नीट्यूड आ जाएगा इस केस में तो रूट टू टाइम ऑफ बी नोट एल आई करेक्ट है का कोई कंफ्यूजन उसका आता है 47। 47 में मैग्नेटिक फील्ड जो इस तरह से है आपको स्क्वायर लूप पे नेट फोर्स बताना है देखो स्क्वायर लूप इस तरह से दिया हुआ है ना इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है अब मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन जो है वो इस तरह से है कि जो x बराबर जीरो है वहां पे तो b कितना है ठीक है k के डॉट में और x की वैल्यू जब l है तो b कितना आ जाएगा यहां पे b आ जाएगा जीरो उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जैसे जैसे आगे जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है ठीक है जैसे जैसे आगे जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा बेटा डिक्रीज होगा तो देखो मैग्नेटिक फील्ड चाहे डिक्रीज हो जो फोर्स लग रहा है ना मैग्नेटिक फील्ड से इस वायर पे वो ऐसे वो भी घटता हुआ फोर्स लगेगा इधर से भी घटता हुआ फोर्स है ना ऐसे घटता हुआ फिर और घटता हुआ और घटता हुआ ऐसे तो ये फोर्स तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे इस पे फोर्स लग ही रहा है तो केवल इसी पे लग रहा है कितना फोर्स लग रहा है देखो इस पे फोर्स लग जाएगा मेरे पास बी नॉट आई एल और ये कौन से वायर पे लग रहा है केवल इस वाले पे किस तरफ लगेगा इस पे फोर्स लगेगा ऐसे अंदर की तरफ तो अंदर की तरफ फोर्स लग जाएगा तो वे नॉट आईएल सेकंड ऑप्शन 47 का अगला आता है 48 48 की बात कर रहा हूं इसमें एक स्ट्रेट देखो क्वेश्चन का सार ये है कि दो रेल्स है ना उस पे आपने एक वायर को रख दिया एक वायर को मैंने रखा इसमें इस तरह से इसमें करंट फ्लो कर रहा है ठीक है अब ये बोल रहे हैं कि इस वायर पे जो मैग्नेटिक फील्ड है आप किसी भी डायरेक्शन में लगा दो ठीक है तो किसी भी डायरेक्शन में लेकिन वायर के परपेंडिकुलर लगाएंगे तो मैक्सिमम फोर्स लगेगा क्योंकि आपको मिनिमम फील्ड बताना है ताकि वायर जो है एम जी देखो ऐसे लग रहा होगा अब मैं ऐसा करता हूं मैग्नेटिक फील्ड को इस तरह से आई एल भी इस तरह से लग जाए तो क्या होगा देखो इसका एक कंपोनेंट चलाने का काम करेगा एफ थीटा है ना और फ्रिक्शन इसको रोकने का काम करेगा इधर से क्या आएगा नॉर्मल और इधर से क्या आएगा एफ साइन तो ऑब्जेक्ट चलने कब लगेगा जब एफ थीटा लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू एन से ज्यादा हो यानी कि एफ थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू तो म्यू एम जी माइनस एफ साइन थीटा इसको आपने फ्रिक्शन में सॉल्व किया होगा ऐसे क्वेश्चन को तो ये आता है अब इससे जो एफ मिनिमम आता है वो कितना आता है वो आता है म्यू एम जी अपॉन रूट वन प्लस म्यू स्क्वायर अब यहां एफ किसकी वजह से लग रहा है आई एल बी की वजह से एफ मिनिमम कब होगा जब आप बी मिनिमम लगाते हो तो बी मिनिमम क्या हो जाएगा बी मिनिमम हो जाएगा म्यू एम जी आई एल वन प्लस टिक फील्ड का फोर्स तो मैग्नेटिक फोर्स भी इधर ही आ रहा है कैंसल हो ही नहीं सकते चलो इस पर चेक करते हैं इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स आ रहा है इधर मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स आएगा डाउन तो बिल्कुल इसमें आ रहा है सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 49 का ओके okay? बच्चों आते हैं क्वेश्चन पे इसमें आपको एक यूनिफॉर्म लॉन्ग होलो कंडक्टिंग सिलेंडर दिया हुआ है जिसके लिए आपको इस तरह से करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करवाया हुआ है केवल आर बाई टू से आर तक मत सोल्व करो केवल ग्राफ क्रॉस चेक कर लो देखो जब अंदर यहां कोई एम्पियर लूप मानोगे उसमें कोई करंट आएगी क्या अंदर नहीं तो मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं आएगा तो r/2 से पहले तो मैग्नेटिक फील्ड वैसे ही नहीं आएगा इसलिए ये तो गलत हो गया अब अंदर जैसे-जैसे आप इस वायर के अंदर बढ़ोगे तो जैसे-जैसे आप रेडियस बढ़ाओगे एंपियर लूप की तो उसमें इनक्लोज्ड करंट बढ़ेगी इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड तो बढ़ेगा बढ़ेगा तो इसका मतलब ये कांस्टेंट तो रह नहीं सकता ये गलत हो गया अब इसमें जब आप एकदम इस पॉइंट पे हो तो मैग्नेटिक फील्ड सडनली थोड़ा ना वैल्यू इंक्रीज होगी शुरुआत तो जीरो से होगी ना उसकी तो यहां तो सडन जो इंक्रीमेंट आया उसके ऐसे ये कट गया मेरा एक ही ऑप्शन बच रहा है फोर्थ बस ऑप्शन क्रॉस से करो ना बेटा इसमें कहां आपको टाइम वेस्ट करना है है ना और बाकी अगर करना चाहो तो एम्पीयर रूल से कर लो आप यहां पे कैसे करोगे मी नॉट समेशन ऑफ आई एनक्लोज्ड इक्वल्स टू बी 2 पाई r ठीक है जे मैं अंदर वाले पॉइंट के लिए निकाल रहा हूं ठीक है और आई इनक्लोज कैसे निकालोगे आई अपॉन पाई आर स्क्वायर माइनस आर बाई टू स्क्वायर और ये हो जाएगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर माइनस आर बाई टू ये आई इनक्लोज हो जाएगा इसको सॉल्व कर लो क्या दिक्कत है पर नहीं करना है बेटा इसको ऐसे करना है ठीक है तो बेटा यहाँ पे अपना सेक्शन ए कंप्लीट होता है बच्चों हम आते हैं हमारे सेक्शन बी पे सेक्शन बी में आपको जो न्यूमेरिकल वैल्यू वाले क्वेश्चन है वो है पहले क्वेश्चन में आपको एक लॉन्ग वर्टिकल वायर दिया हुआ है करंट प्रोड्यूस हो रहा है आ, फ्लो हो रहा है इसमें न्यूट्रल पॉइंट प्रोड्यूस होता है वायर से कितना डिस्टेंस पे पांच सेंटीमीटर हॉर्जोटल कंपोनेंट वायर का अगर इतना है तो वायर में करंट कितनी ये हॉर्जोटल कंपोनेंट अर्थ का अगर इतना है तो वायर में कितनी करंट फ्लो हो रही है सिंपल सी बात है बेटा जहां पे भी वायर का फील्ड और अर्थ का एज कंपोनेंट आपस में इक्वल होगा वहां पे नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगा वायर का क्या होता है नॉट आई अपॉन टू पाई डी एस बी एच तो आई क्या हो जाएगा टू पाई डी बी एच डिवाइड बाई म्यू नॉट ठीक है टू पाई फाइव टेन पार माइनस टू बी एच होता है पॉइंट वन एट गॉस दिया हुआ है तो इसको गॉस को लिखो टेन टू तो दावर माइनस फोर ओके okay? अब इसके बाद इसमें क्या करेंगे अपन मे नॉट फोर पाई एन पार माइनस सेवन से डिवाइड कर देंगे तो देखो टू पाई से कटेगा दो बार है ना दो बार के बाद अब देखो कितना आ जाएगा अपने पास फाइव इन टू पॉइंट वन एट डिवाइड बाई टू अब पावर्स को देख लेते हैं माइनस छः इधर एक पावर बचेगी तो ये जाएगा नब्बे नो डिवाइड बाई दो साढ़े चार एमपियर साढ़े चार एम्पियर आपका आंसर आंसर हो जाएगा तो आपको भरना था इसमें जीरो, फोर जीरो इस तरह से आपको चार वैल्यू रखना है दो डेसिमल से पहले दो डेसिमल के बाद ओके बेटा तो आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन काफी इजी था सेकेंड पाते एक बार नोट कर ले से सेकेंड में आपको एक वायर दिया है जिसमें पांच एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है और स्ट्रेट वायर सिक्स सेंटीमीटर का है इसमें फाइव सेंटीमीटर पे दोनों एंड से जो डिस्टेंस हुए, 5 है फाइव सेंटीमीटर है वहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड बताना है गॉस में तो देखो सिंपल सी बात है ये आपके पास दोनों तरफ से डिस्टेंस कितनी है पांच सेंटीमीटर पांच सेंटीमीटर दोनों तरफ से पांच सेंटीमीटर कब होगी जब पॉइंट जो है वायर के एकदम परपेंडिकुलर वायर सेक्टर पे हो तो ये पॉइंट है तो टोटल छ सेंटीमीटर है लेंथ तो ये कितना हो जाएगा थ्री ये भी कितना हो जाएगा थ्री और ये कितना हो जाएगा चार ठीक है पाइथागोरस थ्योरम से चार आ जाएगा तो आपकी जो एंगल्स आएंगे ये एंगल थीटा वन और ये एंगल थीटा टू दोनों एंगल सेम आएंगे ना तो बी कितना हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई डी सॉरी टू नहीं फोर पाई डी साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू तो इसमें बच्चों जो वैल्यू पुट करोगे तो देखो नॉट कितना है 4 pi, 10 7. I कितना है, 5 4 pi, अपनी है. D कितना अपनी जगह डी तो देखो ये डिस्टेंस थी. ये डिस्टेंस 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 थी कितनी है? D तो परपेंडिकुलर बोलते हैं ये है डी तो कितना हो जाएगा फोर सेंटीमीटर तो आपके पास डी की वैल्यू फोर सेंटीमीटर यहां पुट कर दो थ्री बाई फाइव थ्री टू के लिए भी थ्री बाई फाइव तो देखो फोर पाई से ही खत्म बाई फोर सिक्स बाई फाइव टेन टू दावर माइनस फाइव कितना आएगा बेटा? तो पॉइंट वन फाइव गॉस ओके तो ये आपका सेकेंड क्वेश्चन आंसर हो जाएगा पॉइंट वन फाइव गॉस आते अगले थर्ड क्वेश्चन पे एक बार नोट कर ले बेटा से थर्ड क्वेश्चन में आपको एक यहां पे लूप दिया हुआ है ना लेकिन ये लूप जो है वो इस तरह का थ्री फोर्थ लूप है ये अपने सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है इसमें अल्फा कितना है थ्री पाई बाई टू तो अब देखो इस केस में बी कितना हो जाएगा मेनोट आई अपॉन टू आर अल्फा बाई टू पाई नॉट कितना है फोर पाई टेन टू पावर माइनस सेवन आई कितना है आई है इसमें आई के इक्वल देखो तो आंसर में, में रखना तो uh, तो ठीक है अब एल्फा कितना है थ्री पा बाई टू और पाई से पाई तो पाई से पाई कटेगा तो कितना आ जाएगा अपने पास वन पॉइंट फाइव देखो ये वैल्यू कोई तो एन बोला इन्होंने

तो यहां पे फोर सेंटीमीटर पर आपको एक एम्पियर लूप मानना पड़ेगा ठीक है और इसमें जो आई है वो बता दो बस है ना तो इससे जाने वाली इनक्लोज पहले तो वो निकाल लेते हैं पूरी करंट आई जो है वो पाईआर स्क्वायर एरिया में डिवाइड हुई तो छोटे से पाईआर स्क्वायर एरिया से कितनी करंट जाएगी इतनी फिर बी डॉट डी एल एम्पियर रूल तो ये कहता है ना नॉट समेशन ऑफ आई इन तो इससे क्या आ जाएगा b इंटू टू पाई आर मीनोट आई अपॉन आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर तो इसको सॉल्व करने से b आएगा मेरे पास मिनोट आई ठीक है आर टू बाई R स्क्वायर अब यहाँ पे वैक्यूम तो नहीं है ना अंदर तो मटेरियल की कंडक्टिविटी परमिलिटी रिलेटिव परमिलिटी आपको दी गई है 2000 तो म्यू नॉट के साथ क्या जाएगा म्यू नॉट इंटू म्यू आर आई स्मॉल आर अपॉन 2 पाई आर स्मॉल आर के साथ डिवाइड में आर कर देता हूं मैं ठीक है अब इसमें केवल डेटा पुट करना देखो आपको है ना तो चलो करते हैं फोर पाई टेन टू तो द पावर माइनस म्यू आर कितना है टू थाउजेंड आई कितना है बेटा आई है इसमें थ्री एम्पियर टू पाई एट एन टू दावर माइनस टू स्मॉल आर है फोर ये है एट ठीक है चलो सॉल्व करना शुरू करते हैं ये टू ठीक है ये भी टू टू से टू खत्म ठीक है कितना हो जाएगा सिक्स थाउजेंड बाई एट तो ये हो जाएगा सिक्स थाउजेंड बाई एट अभी कितनी पावर देखो माइनस सात माइनस दो कम कर दो तो माइनस पांच बचेगी माइनस पांच सिक्स बाई एट टेन टू दावर माइनस थ्री माइनस टू बचेगा है ना अब मुझे इसको माइनस थ्री देखो ये कितना होता है पॉइंट सेवन फाइव टेन पार माइनस टू होता है इसको सेवन पॉइंट फाइव टेन पार माइनस थ्री कर सकता हूँ ना मैं ऐसे लिख दू क्या दिक्कत है तो सेवन पॉइंट फाइव टेन पार माइनस थ्री टेस्ट ला तो फोर्थ आंसर क्या हो जाएगा सेवन पॉइंट फाइव ओके बेटा अगला आता है फिफ्थ फिफ्थ में आपको यहाँ पार्टिकल दिया हुआ है जो है कि मैग्नेटिक फील्ड में आपको तो पार्टिकल जो है इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है कुछ एंगल थीटा बनाते हुए तो देखो मैग्नेटिक फील्ड अब ये क्यों चार्ज है ना मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस में क्रॉस का मैग्नेटिक फील्ड इस पर फोर्स लगाएगा ऐसे तो इसपे फोर्स लगेगा इस तरफ तो ये पार्टिकल जो है वो सर्कुलर पाथ इस तरह का बनाएगा और सर्कुलर पाथ बनाते हुए फिर वापस क्या होगा इस तरह से निकल जाएगा स्पीड उसकी सेम रहेगी और सिमेट्री की वैसे ही एंगल ये एंगल अगर थीटा है तो वो भी थीटा रहेगा अब इसका जो सेंटर बनेगा पाथ का वो यहां कहीं होगा सेंटर अब ये होता है 90 ये भी 90 ये बचेगा 90 तो ये कितना होगा 2 थीटा तो ये जो सर्कुलर पाथ है इसकी लेंथ हमें बतानी है और ये सर्कुलर पाथ अपने सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है टू थीटा तो लेंथ क्या होता है आर इन टू एंगल आर क्या हो जाएगा एम वी अपोन क्यू बी इन टू थीटा तो फाइनली मेरे पास एन कितना आ रहा है टू ठीक है तो फिफ्थ का आंसर क्या हो गया बेटा टू आते हैं सिक्स क्वेश्चन पे सिक्स क्वेश्चन में आपको एक पार्टिकल दिया हुआ है जो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो मैग्नेटिक फील्ड भी हो और उसमें आ, टी टाइम बाद इसकी वेलोसिटी पूछा है कि इतनी हो जाती है तो आपको बताना है कि एन कितना होगा है ना तो देखो सिंपल सी बात है थोड़ा सा यहां ज्योमेट्री को अपन देखते हैं इस तरह से ये अपने पास एक्सिस पार्टिकल जो है है वो डायरेक्शन में जा रहा है। जाने दो अब इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कौन सी डायरेक्शन में है इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग एक्स डायरेक्शन तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक्स डायरेक्शन में है है ना और जो इसमें मैग्नेटिक तुर फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में है इसका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो

स्पायरल पाथ तो फॉलो करेगा हेलिकल पाथ को फॉलो करेगा लेकिन वो हेलिकल पाथ की पिच बढ़ती जाएगी सिंपल सी बात है अब इस केस में देखो यहां पर एक्स डायरेक्शन में है ना? अलोंग एक्स डायरेक्शन कौन सा फोर्स लग रहा है ई बराबर क्यू ई, तो इसकी वजह से एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में कितना आ जाएगा क्यू बाई एम तो वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट क्या हो जाएगा यू एक्स प्लस ए एक्स टी देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है इसलिए ये भी कांस्टेंट इसलिए मैं इक्वेशन काम में ले सकता हूं तो टी टाइम बाद उसकी वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट हो जाएगा अब पार्टिकल का जो प्लेन ऑफ सर्किल हो वाई प्लेन में है ना प्लेन ऑफ सर्किल वाई जेड प्लेन इसका मतलब वी वाई स्क्वायर प्लस स्क्वायर ये दोनों कंपोनेंट मिला के तो V0 ही ना भाई पार्टिकल की जो इनिशियल स्पीड है V0, वही तो प्लेन में ऐसे घूम रहा है तो जो उसके मान लो किसी टाइम पे सपोज करो पार्टिकल इस तरह से वाई डायरेक्शन से घूमा था अब वो ऐसे घूम रहा है अब किसी भी इंस्टेंट पे उसकी वेलोसिटी तो V0 ही रहेगी ना सर्कुलर पाथ में तो इसमें फिर चाहे आप इसको जेड मान लो इसको वाई मान लो थोड़ी देर के लिए तो y कंपोनेंट और z कंपोनेंट दोनों का स्क्वायर करने पे तो V0 ही आएगा ना क्योंकि वी नोट ही तो उसको सर्कुलर पाथ में घुमा रहा है तो ये चीज अब देखो मेरे पास टोटल स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर टोटल स्पीड कितनी करनी है मुझे टू वी नोट टू वी नोट का स्क्वायर कर दो इधर वी नोट का स्क्वायर कर दो प्लस नहीं ये यह यहां पे वी एक्स तो अलग है ना वी एक्स के आपने पास वी एक्स है ये क्यू ई बाई टी तो क्यू ई टी अपॉन एम का स्क्वायर प्लस वी नॉट स्क्वायर तो कितना हो जाएगा क्यू ई टी अपॉन एम का स्क्वायर रूट थ्री वी नोट तो टाइम की वैल्यू क्या जाएगी बेटा इसमें आ, यह आएगा फोर थ्री वी नॉट रुको इसको स्क्वायर है ना तो इसको अभी तो थ्री वी नॉट स्क्वायर लिखो अब सॉल्व करेंगे ना तो टाइम कितना जाएगा रूट थ्री वी नोट एम अपॉन क्यू ई

सेम पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सलरेट करवाया डेल्टा सेम सेम और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड तो B same, ये तीनों चीजें तो सेम कर दी देखो आर का फॉर्मूला क्या होता है एम वी बाई क्यूबी एम वी होता है मोमेंटम मोमेंटम को आप क्या लिखते हो पी बाई क्यूबी पी को क्या लिखेंगे रूट टू काटिक एनर्जी इंटू एम मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन कोई भी पार्टिकल को अगर आप डेल्टा वी वोल्टेज से एक्सलरेट करते हो बेटा तो उस केस में उसको कितनी काइनेटिक एनर्जी मिलती है? Q वी मिलती है है डेल्टा ठीक है अब देखो आपके पास क्या क्या कॉन्स्टेंट है क्यू डेल्टा और बी कॉन्स्टेंट है क्यू डेल्टा भी बी कॉन्स्टेंट है तो बचा क्या अपने पास एम तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एम इसका मतलब आर वन अपॉन आर टू ठीक है ठीक है क्वल टू एम वन अपॉन एम टू रूट में तो इधर एम वन अपन एम टू क्या आ जाएगा एन विल बी टू सेवेंथ का आंसर हो तो जाएगा एन विल बी टू ओके बेटा आते हैं हम हमारे एथ क्वेश्चन पे एट क्वेश्चन में ट्वेल्थ साइड का एक ट्राइंगल है और उसमें बताना है कि सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा करंट I हो है ना तो 2n बताना है फिर आपको ठीक है चलो अब इस केस में एक ट्राइंगल जिसकी साइड लेंथ कितनी है 2l तो देखो सेंटर से इस साइड की डिस्टेंस कितनी आएगी बेटा ये आएगी l ये एंगल 30 क्योंकि टोटल 60 होता है और ये डिस्टेंस हो जाएगी d तो d क्या हो जाएगा l साइन 30 नहीं डी एल और साइन रिलेशन आएगा डी बाई एल इज टेन थर्टी तो इससे डी कितना हो जाएगा एल बाई रूट थ्री पहली चीज तो ये आ जाएगी फिर इधर जब आप दोनों तरफ के थीटा वन थीटा टू बनाओगे तो ये थीटा वन और ये थीटा टू थीटा वन भी कितना आएगा सिक्सटी थीटा टू भी कितना आएगा सिक्सटी तो टोटल जो सेंटर पे आएगा मैग्नेटिक फील्ड तीनों साइड की वजह से देखो इसका भी बाहर इसका भी बाहर इसका भी बाहर तो तीनों का जोड़ दो तो थ्री टाइम्स ऑफ एक साइड की वजह से कितना आएगा? का मतलब क्या होता है? ये डिस्टेंस कितना है? बाई रूट थ्री। थीटा वन, थीटा वन प्लस कितना हो जाएगा थ्री रूट थ्री मीनोट आई अपोन फोर बाई एल साइन सिक्सटी टू रूट थ्री बाई टू से टू खत्म थ्री से थ्री तो नाइन बाई फोर तो देखो कंपेयर करेंगे तो एन करें, तो की वैल्यू क्या आ रही है नाइन बाई फोर तो टू एन कितना फोर पॉइंट फाइव तो मेरा आंसर हो जाएगा फोर पॉइंट फाइव इसमें कोई कंफ्यूजन बेटा ठीक है तो ये आपका आंसर बन जाएगा फोर पॉइंट फाइव ओके

एम होता है एन आई ए बी साइन 90 क्योंकि एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है नंबर ऑफ टर्न एक आई की वैल्यू आई किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है जिसकी साइड लेंथ अगर एल हो तो ये हो जाएगा 60 तो उसकी जो हाइट होगी वो क्या होगी बेटा ये हाइट होती है एल साइन सिक्सटी यानी कि रूट थ्री एल एरिया क्या हो जाएगा हाफ इंटू बेस हाइट तो कितना हो जाएगा रूट थ्री एल बाई फोर रूट थ्री बाई फोर एल स्क्वायर तो रूट थ्री एल स्क्वायर बाई फोर ये वन तो so, एल क्या आ जाएगा मेरे पास फोर नंबर टर्न तो इसमें कुछ नहीं दिया तो आपको एक ही रखना है फोर टॉर्क आई एल स्क्वायर रूट थ्री सॉरी एल स्क्वायर तो इधर रखना है ना अपन को तो फोर टॉर्क आई रूट थ्री और बी बी भी तो आएगा इसमें बी इक्वल टू एल स्क्वायर तो एल कितना आ जाएगा इसका मतलब एल आएगा मेरे पास रूट के अंदर फोर टॉर्क रूट थ्री बी आई फोर का तो टू बाहर आ जाएगा तो आ जाएगा टू टॉर्क रूट थ्री बी आई की पावर वन बाई टू कंपेयर करो तो एन की जगह क्या लिखा हुआ है एन की जगह थ्री लिखा हुआ है तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा नाइंथ का थ्री कोई कंफ्यूजन बेटा इसमें आगे बढ़ते हैं अपन टेंथ पे टेंथ में आपको दो वायर्स के बीच की डिस्टेंस जो है वो डी दिया गया इनमें करंट जो है वो सेम डायरेक्शन में चलो बनाते आई वन आई टू सेम डायरेक्शन में डी इनका सेपरेशन है और इनमें फोर्स क्या लगेगा एफ तो एफ जो फोर्स लगता है मे नॉट आई वन आई टू मतलब फोर्स लेंथ तो, आए वन आए तो होता है अपन यहां बात कर रहे हैं फोर्स की प्रोपोर्शनलिटी तो प्रपोर्शन डी तो पे डिपेंड कर रहा है अब आपने क्या आपने क्या करा करंट को एक वायर की करंट को इनक्रीज कर दिया डबल कर दिया तो एक वायर की करंट को तो डबल कर दिया दूसरे की डायरे और उसकी डायरेक्शन को भी रिवर्स कर दिया तो चलो इसी की डायरेक्शन को डबल वाली डायरेक्शन को रिवर्स भी करना है तो ये हो जाएगा टू आई वन एक हो जाएगा आई टू अब जो फोर्स आए और डिस्टेंस को क्या किया डिस्टेंस को थ्री डी कर दिया तो डिस्टेंस हो जाएगी थ्री डी तो कितना टू आई वन आई टू अपॉन थ्री डी मतलब यहां पे जो आएगा, F वो कितना हो जाएगा टू बाई थ्री टाइम्स ऑफ एफ अब कंपेयर करने पे एन क्या आ जाएगा एन की जगह क्या लिखा हुआ है टू लिखा हुआ है ना आगे आंसर तो इजीली आपका टेंथ क्वेश्चन भी हो रहा है कोई कंफ्यूजन बेटा इसमें इलेवंथ क्वेश्चन में बात करें तो आपको एक चार्ज दिया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कितना फोर्स लग रहा है वो दिया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है उससे वेलोसिटी आपसे पूछिए तो सिंपल सा एक फॉर्मूला है F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी ठीक है F कितना दिया हुआ है 4i आई प्लस टू दी पावर माइनस चार्ज कितना दिया हुआ है फाइव इंटू टेन पावर वेलोसिटी को लिखूंगा मैं माइनस एन आई के प्लस हंड्रेड जे के क्रॉस बी कितना दिया हुआ है एट इंटू टेन टू दावर माइनस थ्री के के ठीक है एट इंटू माइनस थ्री को तो बाहर निकाल लेना पहले तो माइनस टेन से काट दो फोर आई प्लस थ्री जे फाइव इंटू एट इंटू टेन पावर माइनस थ्री ठीक है अब देखो आई क्रॉस के क्या होता है आई क्रॉस क्या होता है माइनस जे तो माइनस ऑफ एन माइनस जे हंड्रेड बचा हुआ है हन, J क्रॉस के क्या होता है J क्रॉस क्या होता है I, ठीक है तो ये कितना हो जाएगा 40 इंटू टेन पर माइनस थ्री ठीक है हंड्रेड आई प्लस एन जे और ये कितना है फोर आई प्लस थ्री जे तो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं फोर आई प्लस थ्री जे को डिवाइड करता हूं टेन पार माइनस थ्री इधर डिवाइड होगा ऊपर जाके प्लस थ्री बन जाएगा टेन पार प्लस थ्री बन जाएगा तो ये आ जाएगा हंड्रेड आई प्लस थ्री एन जे अब देखो ये कटेगा पच्चीस बार पच्चीस चार 100 तो सॉल्व करने पे कितना आएगा इधर क्या लिखा है 100i plus तो n की वैल्यू क्या बताओ एन की वैल्यू है सेवेंटी 75. फाइव तो 75 आपका आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का कोई कंफ्यूजन बेटा इलेवन का 75 फाइव okay? ओके अगला आता है ट्वेल्व इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो पास कर रही है आपको बताना है कि ये अनडिफ्लेक्टेड है अनडिफ्लेक्टेड कब रहेगी इलेक्ट्रॉन बीम जब उस पर लगने वाला नेट फोर्स जीरो हो जाए मतलब कि इलेक्ट्रिक फोर्स को मैग्नेटिक फोर्स कैंसिल कर दे है ना क्यू ई बराबर क्यू बी बी क्यू से क्यू काट दो वी कितना हो जाएगा ई बाय बी ई कितना हो जाएगा इस केस में थ्री पॉइंट टू टेन टू दावर फोर कितना हो जाएगा थर्टीन तो 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 आप में आपको हंड्रेड टन की इतने एरिया की करंट वाली कोयल दी हुई है उस पर मैग्नेटिक फील्ड की जैसे टॉर्क दिया हुआ है तो आपको क्या बताना है इसमें B की वैल्यू बतानी है, ठीक है और यहां पे बोला कि जो प्लेन पैरल टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इसका मतलब क्या होता है कि एरिया वेक्टर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, मतलब थीटा नाइनटी आएगा तो देखो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है एन आई ए बी साइन थीटा टॉर्क दिया हुआ है पॉइंट टू एन कितना दिया हुआ है सो कितना दिया हुआ है दो एरिया होता है सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए टेन पार माइनस फोर बी और साइन 90 की वैल्यू हो जाएगी ठीक है तो सिंपल इससे बी निकालना है अब एक बार थोड़ा यहीं पे सॉल्व कर लेता हूं मैं पॉइंट टू पांच चार बीस चालीस टेन पर माइनस टू इंटू बी

देखो सिंपल सी बात है बेटा वायर में जो लेंथ का वेक्टर होता है वो हमेशा वायर के स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट को जोड़ने वाली सीधी लाइन होती है जैसे अगर इसको डिस्प्लेसमेंट माने तो ये डिस्टेंस ये और डिस्प्लेसमेंट ये तो डिस्प्लेसमेंट को एल इफेक्टिव बोलते है ना तो यहां से यहां तक एल इफेक्टिव अब इसकी रेडियस कितनी है रेडियस uh, आपको दिया हुआ है वन मीटर ठीक है तो रेडियस वन मीटर तो वायर की लेंथ तो डायमीटर के बराबर होगी ना टू आर यानी कि टू मीटर अब इसमें इसका कंपोनेंट करोगे तो तो ये एंगल फोर्टी फाइव है ना तो एल को वेक्टर फॉर्म में क्या लिखोगे टू कॉस फोर्टी फाइव आई के टू साइन फोर्टी फाइव जे तो रूट टू आई प्लस रूट टू जे आ गया अब इसके बाद इस वायर में आपको फोर्स बताना है फोर्स क्या होता है देखो फोर्स होता है आई एल क्रॉस बी आई की वैल्यू कितना है वन एल की वैल्यू रूट टू बाहर ले लो तो यह आ जाएगा आई प्लस जे क्रॉस बी कितना दिया हुआ है बी दिया हुआ है बी दिया हुआ है थ्री आई प्लस फोर जे प्लस के के ठीक है अब देखो रूट टू तो बाहर आ गया है ना अब इसको आई जे के को सॉल्व करना है चलो इधर साइड में कर लेता हूं मैं है ना एक डिटर्मिनेंट आपको सॉल्व करना है वन वन जीरो और क्या था थ्री फोर वन चलो आई के लिए क्या जाएगा वन आई जे के लिए माइनस वन जे के के लिए प्लस वन के तो आई माइनस जे प्लस के ये आएगा इसको यहां रख दो रूट टू आई माइनस जे प्लस के अब कंपेयर करो तो देखो एन की जगह क्या लिखा हुआ है रूट टू मतलब एन की जगह टू लिखा हुआ है तो आपका आंसर हो जाएगा फोर्टीन का टू कोई कंफ्यूजन अगला आता आपके सामने फिफ्टीन क्वेश्चन चलो एक बार यहां तक नोट कर रहे बेटा क्वेश्चन में अपन बात करेंगे एक बीम है पार्टिकल की है ना ये इतने एंगल पे मैग्नेटिक फील्ड से एंगल बनाते हुए एंटर होती है तो रेडियस ऑफ तो कर्वेचर ऑफ पाथ पूछा है ध्यान से समझना रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछा है ना कि रेडियस ऑफ हेलिक्स अगर आप लोगों ने ये मिस्टेक करी तो आप फंस गए होंगे है ना मैं दोनों का डिफरेंस समझाता हूं देखो एक पार्टिकल है जो मैग्नेटिक फील्ड से इतनी वेलोसिटी पे इतने एंगल बनाते हुए तो थीटा, थीटा।, थीटा जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है उसी की वजह से पार्टिकल सर्कुलर पाथ बनाएगा लेकिन cos थीटा आगे लेके आएगा तो इसकी वजह से ओवरऑल जो पाथ बनेगा वो इस तरह का बनेगा क्या ये स्ट्रेट लाइन है नहीं क्या ये सर्किल है नहीं हम जब हेलिस की रेडियस डिफाइन करते हैं तो हम इसको रेडियस ऑफ बोलते हैं। कि अगर प्योरली सर्कुलर पाथ बनता तो क्या होता बट यहां उन्होंने आप पढ़ते हो v a परपेंडिकुलर होता है तो यहां नेट वेलोसिटी तो चेंज होगी नहीं परपेंडिकुलर फोर्स कौन लगाएगा देखो मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स होता है वो हमेशा के होता है तो क्यू परपेंडिकुलर इनटू b वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही फोर्स डिसाइड करता है और जो फोर्स आता है वो हमेशा परपेंडिकुलर आता है ठीक है तो क्या आ जाएगा मेरे पास v स्क्वायर m अपॉन q v v sin थीटा ठीक है अब इसमें एक v से एक v कट जाएगा तो क्या आ जाएगा mv वी अपॉन क्यू वी साइन थीटा कोई कंफ्यूजन इसमें अब देखो m की वैल्यू अच्छा इसमें एम बाई क्यू क्यू बाई एम तो आपको पहले से दिया हुआ था इसको क्यू बाई एम को यही रख देता हूं देखो वी स्क्वाइन थीटा इंटू बी वी से वी कटेगा तो क्या हो जाएगा वी क्यू बाई एम बी साइन थीटा अभी वैल्यू पुट करनी है बस वी कितना दिया हुआ आपको थ्री इंटू टेन टू दावर फाइव ठीक है उसके बाद क्यू बाई एम कितना है टेन टू पावर एट उसके बाद बी कितना है बी की वैल्यू देखो यहां पे बी कितना आ जाएगा बी की वैल्यू पॉइंट थ्री फाइव टेस्ला ठीक है और साइन थीटा कितना है साइन थीटा वन बाई टू है चलो तो अब यहां पे हमें रेडियस बता रहा है चलो देखते हैं कितना आ रहा है बेटा थ्री इंटू टू अपॉन पॉइंट थ्री फाइव ऊपर कितनी पावर बचेगी? बचेगीवर माइनस थ्री बचेगी ना चलो इसको लिख दो आप तो माइनस थ्री तो इसको तुम सिक्सटी बाई थर्टी टेन तो दी टू दावर तो माइनस टू है ना ऐसे लिखोगे अब इसको मैं आगे सॉल्व कर देता हूँ पांच से काटोगे तो कितना आ जाएगा है? 12 by 5, 12 by 7, 10 to the power minus 2. अब 12 by 7 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी गई है 1.72 ना क्वेश्चन में यहाँ पे 12 by 7 आपको दिया गया है 1.72 तो 1.72 यहाँ डाल दो तो 1.72 सेंटीमीटर यही आपका आंसर बन गया ओके बेटा तो 1.72 आपका आंसर है इसका कोई कंफ्यूजन इसमें और जिसने सेवन बाई थ्री पॉइंट फोर थ्री एक्चुअली ये वाली रेडियस निकाली है तो फसाने के लिए ये ऑप्शन दिया था ताकि आप लोग जो गलती कर रहे हो फिर अब याद रहेगा कि रेडियस ऑफ हेलिक्स अलग होता है और रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग होता है ओके बेटा तो ध्यान रखना ये क्वेश्चन काफी कंसेप्चुअल था है ना आई होप आप लोग यहां सीखे होंगे अगर अटके भी होंगे तो सीखे होंगे ओके बेटा उसके आता है सिक्सटीन क्वेश्चन सिक्सटीन क्वेश्चन में एक आर रेडियस की रिंग जिस पे क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटर उसको घुमा रहे ऐसे एक्सेस पे ही हुआ है ना ऐसे तो आपको उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉरी मैग्नेटिक मोमेंट बताना है मैग्नेटिक मोमेंट के लिए देखो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है एन आई ए एन की वैल्यू वन आई क्या होता है क्यू बाई टी क्या होता है पाई आर स्क्वायर क्यू क्या होता है टू पाई बाई ओमेगा तो क्या हो जाएगा Q omega r square by 2. तो देखो n की जगह क्या लिखा है n की जगह लिखा 1 by 2. तो एन कितना हो हो जाएगा 3 by 2, 3 by 2, मतलब कि ओके 16 का हो गया उसके बाद आते हैं 17 पे 17 में आपको एक बार मैग्नेट दिया हुआ है जिसको थर्टी डिग्री के एंगल पर रखा हुआ है तो इसमें आपको पोल स्ट्रेंथ बताना बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन देखा देखो यहां पे एक बार मैग्नेट को

साँ थीटा का का मतलब वन बाई टू, पाँच से खत्म तो तो कितना आएगा बेटा माइनस लिख दो आंसर तो हो जाएगा जीरो टू। ओके और फिल करने के हिसाब से एक जीरो लगा देना ओके बेटा आगे बढ़ते 17 के 18. 18 आपको बोला है कि एक बार मैग्नेट magnet को मैग्नेटिक मैग्नेटिक मेरिडियन मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से थीटा एंगल अगर अपन घुमाते हैं ना तो अपन को कितना वर्क करवाना पड़ता है थीटा एंगल घुमाने में वो वर्क होता है एम बी कॉस थीटा वन माइनस ऑफ कॉस थीटा टू ठीक है तो इस केस में जो वर्क आएगा एम बी कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू अब जिसने बोला है कि सबसे पहले तो 90 डिग्री तक घुमाना है तो W1 कितना हो जाएगा एम बी कॉस जीरो ऑफ कॉस नाइन्टी सॉल्व करने पे आएगा एम बी डब्ल्यू टू कितना है आप केवल 60 डिग्री तक घुमा रहे हो तो ये आएगा तो कितना टाइम से डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू का टू टाइम से तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी टू सिंपल सा क्वेश्चन था बिताई तो 18 में टू आ जाएगा आते हैं हम हमारे 19 पे. 19 बोल रहे हैं कि किसी एंगल एंगल ऑफ डिप जो है वो 60 डिग्री है किसी प्लेस पे और एक ऐसा प्लेन अपने लिया जो थर्टी डिग्री बनाता है से तो तो उसमें कितना होगा देखो सबसे पहले ये और ये 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 कोई दूसरा ठीक है 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 अब इसमें देखो वर्टिकल ये होता है, ये होता है, ये जो इधर नेट फील्ड आता है उसी नेट फील्ड का के साथ एंगल उसको अपन क्या बोलते हैं डेल्टा एंगल ऑफ डिप लेकिन जब आप किसी और प्लेन की बात करोगे तो किसी और प्लेन में तो बी एच जो है उसका भी कंपोनेंट करना पड़ेगा ना ये एंगल अगर फाइव बी तो एच कॉस जो नए प्लेन में बी एच डैश आएगा वो इतना आएगा अब सबसे पहले बात करते हैं टेन डेल्टा आप कैसे के कैलकुलेट करते, है? करते हैं टेन डेल्टा आप कैलकुलेट करते हैं बी वी बाई बी एच और ये कितना है सिक्सटी डिग्री टेन सिक्सटी यानी कि रूट थ्री अब टेन डेल्टा डेश क्या हो जाएगा बीवी अपॉन बी एच डीवी अपॉन बी एच कॉस फाइव बीवी अपॉन बी एच कितना रूट थ्री।, थ्री, तो थ्री खत्म कितना है? टू तो डेल्टा डेष कितना आएगा बेटा टेन इनवर्स टू तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा नाइनटीन का टू इजी था अगला आता है थर्टी क्वेश्चन

अब दूसरे केस में जब सिंगल मैग्नेट रहेगी है ना जब सिंगल मैग्नेट है तो I डेष कितना आएगा ओनली एम एल 12 और m नेट कितना आएगा M नेट आएगा केवल एक के? एम अब टाइम पीरियड क्या होता है टाइम पीरियड होता, होता है टू पाई रूट ऑफ आई बाई एम बी यही होता है अब टाइम पीरियड इतना है तो टाइम पीरियड की वैल्यू को देखो अब मैं डिपेंडेंसी देखता हूं तो टी अपॉन टी डे t अपॉन t डश क्या आ जाएगा i सॉरी रूट ऑफ i बाय m i डश m डश यही आएगा i कितना है i है 2 टाइम्स ऑफ i डश m है √2 टाइम्स ऑफ m डश ये m डश और ये i ओके okay? भई Root dash, root हो गया और ये हो जाएगा ठीक है तो इनको रिप्लेस करने पे मेरे पास क्या बचेगा root two, root two, T, T तो टू कितना टू टी टू की पावर वन बाई फोर टी कितना आ जाएगा T upon की पावर by T कितना दिया है टू की पावर फाइव बाई फोर दिया है टू की पावर वन बाई फोर तो कितना टू की पावर वन तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा टी डेबर टू तो सेकेंड में कितना होगा टू सेकेंड ओके okay बेटा तो ये आपका इको फिजिक्स का ट्वेल्थ पेपर कंप्लीट होता है आई होप आपने इस पेपर को काफी अच्छे से किया होगा और आपके काफी अच्छे मार्क्स बन रहे होंगे जो भी आपने इस पेपर में गलतियां की उन गलतियों को अपने नोट्स में अपडेट करते जाएं ताकि वो गलतियां दोबारा ना हो इन पेपर का यही मकसद है कि आपको आपकी कमियां पता चले ओके okay बच्चों थैंक यू ऑल द बेस्ट